हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको आसानी से विश्वास दिलाता हूँ ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे प्रमुख बोर्डों के अध्यक्ष से। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते ये गलत बात है। वीडियो को लाइक करते, अगर जो पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ जरूर बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रमुख बोर्डों के अध्यक्ष से। सबसे पहले देखते हैं अध्यक्ष हमारे रेलवे बोर्ड के कौन है करंट में, अश्विनी लोहानी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अश्विनी लोहानी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अध्यक्ष प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोलते हैं, ये वही सेबी है जिसने सहारा के ऊपर केस ठोका था और उन्हें जेल में अंदर करवाया था। ठीक है, तो अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC। ठीक है, CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो हमारे फिल्मों का सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, इसके हमारे अध्यक्ष है सुप्रसून जोशी, इसके पहले थे हमारे प्रहलाद निहलानी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब आए हैं करंट में प्रसून जोशी। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि CBSE बोलते हैं। ठीक है, सॉरी CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष जो हैं सुशील चंद्रा CBDT के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं वो राजेश कुमार चतुर्वेदी है। ये तो हो गए दोस्तों प्रमुख बोर्डों के अध्यक्ष के बाद, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी और पेन लेके, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको याद तो हो रहा है लेकिन फिर भूल जाएगा, इसको नोट कर लेंगे फिर आपको ये हमेशा के लिए आप रिपीट कर लेंगे एग्जाम के टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं महारत्न कंपनियाँ भारत में कौन कौन सी हैं और उनके अध्यक्ष करंट में कौन है। ठीक है, महारत्न कंपनियाँ देखते हैं कौन है। सबसे पहले आती है NTPC, इसके चेयरमैन हमारी कौन है गुरदीप सिंह। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके जो चेयरमैन है वो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट है हमारे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसे ONGC बोलते हैं, इसके CMD कौन है शशि शंकर। ONGC के CMD कौन है शशि शंकर। नेक्स्ट है चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, इसके कौन है चेयरमैन पीके सिंह सेल के चेयरमैन है। ठीक है, ये हमारी नवरत्न कंपनियां है भारत जिनको नवरत्न का दर्जा देती है, टॉप की कंपनियां है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे गेल बोलते हैं। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने गेल सेल सुना होगा लेकिन पूरा नाम आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे गेल बोलते हैं। इसके जो निदेशक हैं ये BC त्रिपाठी हैं करंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL। ठीक है, इसके जो निदेशक हैं वो संजीव सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निदेशक हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के, कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, ये हमारे इसके निदेशक कौन है एस भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL जिसे भेल बोलते हैं। ठीक है, अतुल सोबाती, ये हमारी दोस्तों भारत की प्रमुख महारत्न कंपनियां हो गई। अब देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम में प्रमुख कंपनियां। ठीक है, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSNL की यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हमारे कौन है अनुपम श्रीवास्तव निदेशक। ठीक है, नेक्स्ट निदेशक है हमारी AAI यानी कि विमान पत्तन प्राधिकरण, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ टाइम पहले आई थी आप इसे जानते होंगे, इसके हमारे हैं आलोक सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निदेशक भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके हमारे निदेशक हैं ललित के पवार। नेक्स्ट देखते हैं निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, इसके हमारे जो निदेशक हैं ये PK पुरवाल है। नेक्स्ट है निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL, इसके हमारे जो निदेशक हैं ये AK मित्तल है। नेक्स्ट देखते हैं निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL, इसके जो निदेशक हैं संजय गुप्ता है। नेक्स्ट देखते हैं निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नालको, इसके जो निदेशक हैं यह है TK चांद। नेक्स्ट देखते हैं निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके जो निदेशक है हमारे उत्थप्पा बोरा। मैंने आपको फिर से बताता हूँ, इसको एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक हैं आपको हमारे MK सुराना। नेक्स्ट देखते हैं, निदेशक हमारे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के हमारे निदेशक हैं D राजकुमार। नेक्स्ट है हमारे निदेशक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के यानी कि BEL आनंद रामलिंगम। नेक्स्ट है निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HEL इसके हैं T सुवर्णा राजू। जो भी कंपनियां मैं बता रहा हूँ इनके नाम आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सही है, ठीक है। निदेशक हमारे हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NDMC नरेंद्र कोठारी। नेक्स्ट निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के राजीव शर्मा और निदेशक हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCI के IS झा। नेक्स्ट निदेशक है हमारे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NSGL P मधुसूदन। और नेक्स्ट है हमारे निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI, ये है हमारे BB सिन्हा। नेक्स्ट निदेशक है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम या लिमिटेड भी बोलते हैं, ठीक है, REC जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में, ये है राजीव शर्मा। और नेक्स्ट हमारे जो है निदेशक नेवली लिग्नाइट कंपनी NLC जिसे बोलते हैं शरद कुमार आचार्य, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हम शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे बोलते हैं, पूरा नाम है UGC का, पूरा नाम भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो इसके जो हमारे अध्यक्ष है इस टाइम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेद प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उप कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के उप कुलपति कौन है हमारे M असलम। नेक्स्ट है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है योगेश कुमार त्यागी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के JNU के कुलपति VK सारस्वत। और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है डॉक्टर विजय भाटकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है नजमा हेपतुल्ला। और निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या NCERT, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, इसका हिंदी में हो गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसके जो इस टाइम निदेशक है हरिकेश सेनापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष हमारे साहित्य अकादमी के कौन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और हमारे अध्यक्ष है संकीर्ण नाटक अकादमी के शेखर सेन। अब चलते हैं आगे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये सब लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते हो आपको याद तो रहेंगे लेकिन भूल जाएंगे बाद में, और एकदम करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष हमारे प्रसार भारती बोर्ड के कौन है डॉक्टर A सूर्या प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय परिषद अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद के कौन है चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII गजेंद्र चौहान, ठीक है। ये गजेंद्र चौहान शायद चेंज हो गए हैं और इनके जगह पे जो आए हैं ये है अनुपम खेर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महानिदेशक आकाशवाणी F शहरयार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के हैं रियाद मैथ्यू। और नेक्स्ट अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के रविंद्र कुमार। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष कौन है PV चंद्रन। अब देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष आयोग यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है AS किरण कुमार, इसको आप रट लीजिए, ठीक है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEO के कौन है डॉक्टर शेखर बासु। और अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के हैं SA भारद्वाज। नेक्स्ट देखते हैं निदेशक कौन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के KN व्यास। और अध्यक्ष हैं हमारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के DRDO के S क्रिस्टोफर। नेक्स्ट देखते हैं महानिदेशक हमारे कौन है औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के गिरीश साहनी। और नेक्स्ट अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के TRamaswamy, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रमुख वैज्ञान अनुसंधान एवं संगठन, इसको भी आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख इस टाइम करंट में कौन है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है BCCI की, तो BCCI के अध्यक्ष करंट में कौन है विनोद राय। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC शशांक मनोहर। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम डिप्टी चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के कौन है इमरान ख्वाजा। और मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम रवि शास्त्री है करंट में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ दुष्यंत चौटाला और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के कौन है संदीप पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कौन है प्रफुल्ल पटेल और है नेक्स्ट भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है करंट में स्टीफन कोन्स टेटाइन। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष एशियाई फुटबॉल परिसंघ के शेख सलमान बिन इब्राहिम ये बहरीन से हैं और अध्यक्ष भारतीय हॉकी संघ के कौन है कंवरदीप सिंह। ठीक है नेक्स्ट अध्यक्ष हॉकी इंडिया के मरियम्मा कोसी और अध्यक्ष मुक्केबाजी महासंघ के अजय सिंह। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष हमारी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के सेबेस्टियन को ये ब्रिटेन से हैं और अध्यक्ष एशियाई एथलेटिक्स संघ के हमारे कौन है दलहन जुम्मन अहमद अल अहमद। ठीक है ये हमारे अध्यक्ष हैं एशियाई एथलेटिक्स संघ के। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष भारतीय टेनिस संघ के प्रवीण महाजन और अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के एन रामचंद्रन। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष महा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के थॉमस बॉक ये जर्मनी से हैं और नेक्स्ट है महासचिव एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि AICC के रणधीर सिंह ये भारत से हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अंतरिम अध्यक्ष बैडमिंटन संघ के कौन है हिमांता बिस्वा शर्मा और अध्यक्ष फीफा के कौन है इस टाइम जियानी इनफेंटिनो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH नरेंद्र बन्ना इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन यानी कि WSF इसके अध्यक्ष है एन रामचंद्रन भारत के। ठीक है नेक्स्ट है अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के तिलंगा सुमिति पाला और नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन के ब्रज भूषण शरण सिंह। ठीक है नेक्स्ट है अध्यक्ष अखिल भारतीय खेल परिषद के विजय कुमार मल्होत्रा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम के लिए और अगर जो आप इसे पढ़ लेते हैं तो UP पुलिस के एग्जाम के लिए भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।